सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे, ठीक और तंदुरुस्त होंगे। तो रात मैंने जो आपको लास्ट में रेस्टोरेंट दिखाया था, उस रेस्टोरेंट के पास ही हमने लगा लिया अपना कैंपिंग टेंट। बेसिकली ये उनकी पार्किंग एरिया थी, तो पार्किंग एरिया में परमिशन लेके हमने लगा लिया अपना टेंट। और रात हमने इधर ही कुकिंग कर ली थी, तो अभी सुबह सुबह भी कुकिंग करने लग रहे हैं। रात मैंने बनाई थी न्यूट्री बढ़ियाँ, सोयाबीन की बढ़ियाँ थी, आलू थी और ग्रेवी के साथ, तो रात बच गई थी। तो हमने ऐसी ही अभी गर्म कर ली इसको। उधर बन रहे हैं सुबह सुबह चावल, और अभी इसके बाद चावल बनाने के बाद बनाएंगे, पानी गर्म करेंगे, फिर नहा लेंगे और फिर निकल जाएंगे दाउकी रिवर की रिवर के पास, जो सबसे क्लीनेस्ट वाटर की रिवर मानी जाती है, तो जो आदि बांग्लादेश में है, आदि इंडिया के पास है, ऐसा कुछ ही है शायद बट वो बांग्लादेश में जाती है, ये मेरे को पक्का पता है। तो ठीक है, अभी खाना खाते हैं और चाय पानी पीते हैं, नहाते हैं और निकल जाएंगे दाउकी रिवर की। और इधर से रह गया यार ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है, कल मैं आपको बता रहा था ना 25 किलोमीटर है, वो गलत बता रहा था यार मैं, वो मेरे को पता नहीं लगा, मैंने बाद में चेक किया कि वो सारा 70 किलोमीटर है। तो ठीक है, निकलते हैं इधर से। रात बहुत ज़्यादा अच्छी रही यार, ठंड बहुत ज़्यादा लगी, माइनस तो नहीं मतलब 7-8 के पास टेम्परेचर चला गया था तो ठीक है यार, अभी निकलते हैं, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको दाउकी रिवर ऑन द वे पे। तो अभी निकल चुके हैं अपने टेंट पैक कर और धूप का आनंद मान रहे हैं यार, ठंडे पानी से नहा के आए हैं। और ठंडे पानी से नहाने का फायदा ये है कि आपकी सारी नींद भाग जाती है तो अभी मजे से चैन से बैठे हैं यार, इधर देखते हैं कोई लिफ्ट मिलेगी तो चले जाएंगे। दाउकी जाना है, 70 किलोमीटर रह गया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाएंगे आज, उधर ही जाके तंबू गाड़ देना अपना, उधर ही सोना है तो ठीक है, आपको मिलते हैं लिफ्ट लेकर। सो फाइनली मिल चुकी है सुबह की पहली लिफ्ट, भैया ने दिया, भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू खूब ले तो अभी चलते हैं, भैया उतार देंगे। भैया कितने किलोमीटर जाओगे आप? हाँ ओके। तो सामने प्यारी सी एक चर्च है, 6-7 किलोमीटर आगे लिफ्ट लेके। तो अभी गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इधर, फिर लेते हैं दोबारा अपनी लिफ्ट। और सफ़र जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे सफ़र घटता जा रहा है तो ठीक है, देखते हैं लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती। यार मैंने आपको पहले ही बताया था इधर कल्चर नहीं है लिफ्ट देने का बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, चलते हैं अभी। तो अभी लिफ्ट मिल चुकी है यार, सबर रखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, लिफ्ट मिल ही जाती है। थैंक यू सो मच भाई, कुपले सिपुन, वेलकम। यस, सो गाइस फाइनली पहुंच गए दाउकी के पास, बहुत पास रह गया दाउकी। तो अभी जो है इधर क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया माउनोंग बोलते हैं शायद 18 किलोमीटर है, तो इधर है बिल्कुल पास ही है हमारे, बट अभी नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे कल को, क्योंकि हम दाउकी जाना है आज, दाउकी जाएंगे और फिर एक शनाइंग पतोंग करके है, उधर भी कैंपिंग करते हैं, तो उधर भी एक एडवेंचरस प्लेस है, वो देखेंगे फिर आएंगे इधर देखने के लिए। तो अभी रास्ते बस पास में ही रह गए हैं, तो ठीक है चलते हैं, देखते हैं, 1 घंटे का रास्ता रह गया, अभी लिफ्ट लेते हैं कोई अपनी और निकलते हैं दाउकी की ओर। ये हमारी कार है आज की, वाओ, ये हमारी सुबह की थर्ड लिफ्ट, थैंक यू भाई। खुबले शिबिन ब्रो, खुबले शिबिन, ऐसे ही बोलते हैं ना भैया, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम राइट ना? यस हाँ। तो ये अपने दोस्त लोग हैं, थैंक यू भाई सो मच। क्या नाम है भैया आपका? एंड योर ब्रो? नियो पटमी। एंड योर योर बाडू बाडू ओके ओके माय नेम मनी, आई एम फ्रॉम पंजाब।
पंजाब यस नाइस मीटिंग यू ब्रदर नाइस मीटिंग यू। तो अपनी पहली लिफ्ट विदाउट सीट क्या बात है, बड़ी एडवांस सीट लगी है, फाइव स्टार सीट रहे। तो ठीक है चलते हैं यार, आपको देते हैं गाड़ी का टूर। ये हमारी टू सीटर कार लैम्बोर्गिनी है ये हमारी, तो देख सकते हो आप ये फाइव स्टार सीटें लगी हुई है हमारे पास। इतना कंफर्टेबल कौन बैठता है यार, देखो हम लोग ही बैठ सकते हैं। कोई टामा टामा बंदा ही करता है। तो अभी पीने का हो गया है चाय, चाय पीने का टाइम। भैया ऐसे कैसे बोलते हैं, हेलो हेलो हाउ आर यू कैसे बोलते हैं, हाउ आर यू? कुमलो फिलोंग, कुमलो फिलोंग। कंग्रेचुलेशन। अभी सीख रहे हैं यार, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ठीक है चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और ये हमारे भाई लोग हैं आपको पता ही है। कुबले शबीन ऐसे बोलते ना, कुबले शबीन। ओके ओके भाई, नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा मिलके। ओके बॉस। तो अभी पहुंच गए अपनी मंजिल के पास, दौकी रह गया ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर या 10 से 5 किलोमीटर इतना ही रह गया, चेक नहीं किया अभी। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो अभी थोड़ा सा वॉक करते हैं और फिर बाद में लिफ्ट लेंगे। अभी तो बिल्कुल पास में आ गया, भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई लोगों ने इधर तक छोड़ दिया, हमारा सफर कट गया, रास्ता कट गया। और यार मैं कोई लोग गंदे कमेंट मत करना कि मैं गाड़ी के बारे में ये बोल रहा था, हम मजाक कर रहे थे, जस्ट कीडिंग कर रहे थे। भाई अपनी गाड़ी को रेनोवेट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक करवाने के लिए, तो जस्ट मजाक कर रहे थे, कोई सीरियस मत लेना। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं यार, वो गंदे गंदे कमेंट करने लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इंटरटेनमेंट है यार, ट्राई कर रहे हैं। तो ठीक है अभी चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं और फिर लेते हैं लिफ्ट, बाद में मिलते हैं आप। आप देख रहे हो ना कितना खूबसूरत शानदार सा सुंदर सा गांव है। तो जब का एशिया क्लीनेस्ट विलेज मतलब आगे क्रॉस किया है, उसके बाद गांव क्लीन ही क्लीन आ रहे हैं। तो इधर से दौकी रह गया सिर्फ 2 किलोमीटर्स, ओनली 2 किलोमीटर्स। तो आज ठीक रहा सफ़र, अच्छा रहा। पहले जब पहली लिफ्ट ली थी वही मुश्किल हुई थी, उसके बाद तो लिफ्ट मिलती गई तो पहुंच ही गए फाइनली दौकी के आसपास। तो 2 किलोमीटर रह गया, अभी 2 किलोमीटर थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं यार, करना चाहिए, थोड़ा सा फिट हो जाएंगे। तो ठीक है निकलते हैं, 2 किलोमीटर करते हैं वॉक और चलते हैं, आपको दिखाते हैं दौकी। दौकी में देखने के लिए यार ओनली वो रिवर है जो क्लीनेस्ट वाटर है, जो हाफ बांग्लादेश में है हाफ है इंडिया के पास, और उधर में होती है बोटिंग, बस वो देखने वाली है। ठीक है चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी तो नीचे भी नहीं पहुंचे, ऊपर हिल के ऊपर ही है। तो वो जो सामने आप देख रहे हो ना छोटे छोटे से घर बने हुए हैं ना, बोटिंग एरिया बना हुआ, वो सारा बांग्लादेश के अंदर है ऐसा हमें आर्मी वालों ने बताया, अभी पूछा था हमने। तो वो उधर भी बांग्लादेश है और वो सामने आ गई दौकी रिवर, द ब्यूटीफुल रिवर। तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं यार, ठीक है जल्दी जल्दी जाके देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। देखते हैं बोटिंग भी करेंगे या ट्राई करेंगे बोटिंग करने की। और पानी के अंदर भी एक फेंसिंग लगी हुई है, मतलब ऐसा मैंने देखा था वीडियो के अंदर और मेरे को एक दो टूरिस्ट लोगों ने भी बताया, मैंने बात की थी तो वो बता रहे थे पानी में जब बोटिंग करके जाते हो ना तुम, उधर भी फेंसिंग लगी हुई है कि हाँ वो सामने बांग्लादेश वाला दिखता है, इधर में इंडिया वाला दिखता है। तो ट्राई ज़रूर करेंगे, चलते हैं। तो दोस्तों सामने देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो हाँ पूरा बीच का माहौल बना हुआ है जैसे कुंभ का मेला नहीं लगा होता। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है इकट्ठी यार, टूरिस्ट ही टूरिस्ट आए हुए हैं। कुछ आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे संडे है, वीकेंड भी पास में आ गया तो इसलिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। और वो सामने शायद मेरे को पक्का नहीं पता, वो जो जगह है शायद ये बांग्लादेश की जगह होगी। तो ठीक है अभी चलते हैं यार, टेंट लगाने की जगह भी ढूंढनी है क्योंकि हमने पता किया इधर लोकल लोगों से तो वो बता रहे हैं कि इधर टेंट लगाने के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा जगह जगह के लिए। तो ये बात पता नहीं है सच है या झूठ है, बट एनी हाउ नीचे चलते हैं जाके पता करते हैं फिर आपको दिखाते हैं पास से दौकी रिवर। अगर आप बोटिंग करना चाहते हो द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, तो बोटिंग का प्राइस है 800 रुपया पर बोट,
तीन बंदे जा सकते हैं, तीन से चार भी जा सकते हैं, पता नहीं हमको तो तीन ही बताया उन्होंने। तो ठीक है अभी देखते हैं, नीचे जाके चलते हैं। सच में बांग्लादेश है? और गाइस मैं आपको बता रहा था ना सामने इतने लोग क्यों हैं, इतने टूरिस्ट क्यों हैं, और बांग्लादेश के लोग हैं सारे। तो अपना इंडिया का ये हिस्सा है, ये इंडिया है, इधर ये इधर में इंडिया है, वो सामने बांग्लादेश है। वो इतने टूरिस्ट सारे बांग्लादेश के हैं। आज मैं फ्राइडे है ना, मतलब बांग्लादेश संडे का है। ओके 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 ओके। अच्छा तो इधर में क्या कुछ कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं? यहाँ में बोटिंग। अच्छा बोटिंग वाला कहाँ तक लेके जाएगा? ऊपर तक लेके जाएगा। ऊपर तक मतलब आइलैंड तक लेके जाएगा। क्लीन वाटर। अच्छा क्लीन वाटर उधर है। ओके कितने प्लेस दिखाएगा भैया? वो प्लेस तो ज्यादा है। नहीं नहीं कितनी जगह दिखाएगा? एक दो आइलैंड दिखाएगा। हाँ क्लीन रिवर। क्लीन रिवर तीन। ओके ओके ओके। रैपिड रिवर है ना? अच्छा ऐसे राफ्टिंग रिवर। राफ्टिंग। अच्छा उस सभी का प्राइस 800 है? 800। ओके सही है। अगर 2% है कोई डिस्काउंट थोड़ा बहुत? डिस्काउंट नहीं भैया, गवर्नमेंट का प्राइस है। पर बोट है, पर बोट लेता है ना, पर हेड नहीं। ओके ये सही बात है भैया, थैंक यू सो मच भैया। इधर से ही दिखने लग गया प्लेन वाटर, देखो कि कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और इंडिया की तरफ टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो संडे को ज़्यादा आते हैं, मैंने अभी पूछा काउंटर से। तो चलते हैं। हे ब्रदर हाउ आर यू? गुड 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 गुड। फ्रॉम पंजाब। पंजाब। या या। ओके ओके। मनी मनी। ओके ब्रदर। यस यस। तो देख सकते हो ना इधर से आपको रिवर दिख रहा होगा सारा, कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार, क्या बात है। तो फाइनली पहुंच गए, सुबह के निकले हुए हैं यार, बहुत ही खूबसूरत सी क्रिस्टल क्लियर वाटर वाली क्या कहते हैं रिवर आ चुकी है। ओह माय गॉड, उधर में देखो यार बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है बांग्लादेश, वो सामने बांग्लादेश है यार, इतनी पास हो गए हम, क्या बात है यार, पता सोचा ही नहीं था कभी इतनी पास आ जाएंगे हम। ओह माय गॉड। तो वो सारा सामने देख सकते हो कितनी नजदीक से, ये अपना इंडिया है इधर और सामने बांग्लादेश है, इतनी नजदीक से यार। ओहो आज बांग्लादेश की तरफ ज्यादा पब्लिक है अपने इंडिया में कम है आज। वाह फाइनली पहुंच गए यार, पहुंच गए। और एक दिन ऐसा भी होगा साल दो साल बाद उधर से बांग्लादेश में खड़के इंडिया को भी देखेंगे, एक दिन जरूर होगा ऐसा। पानी देखो यार कितना सुंदर, साफ 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 सा पानी है। ओ इग्नोर दिस इग्नोर। गाइस इंडिया की जो क्लीनेस्ट रिवर है उधर पहुंच चुके हैं, दाउकी रिवर बोलते हैं उसे, जो हाफ है बांग्लादेश के अंदर हाफ है इंडिया के अंदर। बहुत ही खूबसूरत सी क्रिस्टल क्लियर वाटर वाली रिवर है यार, मेरे पीछे देख सकते हो, और जो आपको दिख रहा है ना सामने वो बांग्लादेश है, सारा बांग्लादेश है यार, इतनी ज्यादा पब्लिक आ चुकी है ना पीछे। ओहो हो अपने इंडिया की तरफ कम है कपड़े ही कपड़े पड़े हैं इंडिया की तरफ, तो इधर कपड़े अपने वॉश करने आते हैं लोग जो पास में रहते हैं ना, सारे इधर कपड़े वॉश करते हैं अपने, ये सारी लोकल है, अभी टूरिस्ट बहुत ज्यादा कम आए हुए हैं। तो अच्छा लग रहा है इतने पास से देख रहे हैं बांग्लादेश को, तो एक दिन वो भी आएगा जहां हम बांग्लादेश में खड़के अपने इंडिया को देखेंगे जरूर, एक दो साल बाद जरूर जाएंगे ही जाएंगे। तो फिलहाल आनंद मानते हैं इस खूबसूरत सी रिवर का। आहा तो भैया अगर इंडिया जो अपने इंडिया वाले टूरिस्ट हैं वो जब आते हैं तो इधर में अब कितने इतने कम क्यों हैं इंडिया वाले टूरिस्ट अपने? ऐसा है बीमार कोविड 19 ऐसा है। अच्छा कोविड की वजह से बहुत कम आ रहे हैं? कम आ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा आता था।
बहुत ज्यादा है, पहले पूजा हाँ दिवाली बहुत हाँ ज्यादा है। अच्छा तो इधर में भैया देखने वाला एक तो ये हो गया, एक जीरो पॉइंट जाता है बांग्लादेश को टच करता है ना, जीरो पॉइंट हो गया, एक वो आइलैंड हो गया, ये देखने वाला है बस ये चीज है देखने वाली। ओके। और इधर में चेक पोस्ट है बांग्लादेश का, अच्छा इंडिया बांग्लादेश। अच्छा वो कहाँ पर है, मार्केट के पास है, मार्केट है ब्रिज क्रॉस करेगा। हाँ 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 ब्रिज क्रॉस करेगा वो इधर में 2 किलोमीटर। अच्छा 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 बांग्लादेश वाले इंडिया में आ गए यार, सही है गाइस। तो इधर में एक मार्केट भी है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, इंडिया की मार्केट है वो, है ना, इंडिया की मार्केट है वो, बॉर्डर पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे ऊपर है, तो वो भी देखने जाएंगे। पहले नहाते हैं पानी के अंदर, इतनी दूर आए हैं यार, इतने साफ सुथरे पानी में नहा तो ले क्या पता अपना कलर ही साफ हो जाए तो ठीक है अपने लेके आते हैं बैग और निकालते हैं उसमें से कपड़े और करते हैं इंजॉय इस चीज का। और अब ये ऐसे बोटिंग करते हैं यार, देखो अपने इंडिया वाले है ना, ये भाई इधर 800 रुपया लेते हैं बोटिंग का, ये 3-4 इधर आइलैंड घुमा के लाते हैं, तो देख सकते हैं आप, तो 4 बंदे जा सकते हैं ना भैया, 4 बंदे 800 रुपये का, बोट कैपेसिटी 4 आदमी का, 4 आदमी का कैपेसिटी है, तो मतलब 1 बंदे का 200 रुपया हो गया। ओके अभी बंदा ढूंढना पड़ेगा, हमें जाना तो है, नहीं तो यार 2 बंदे है तो 800 देना पड़ेगा, अगर 2 बंदे कोई मिल गए तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है चलते हैं अभी पहले नहा लें फिर घूमने जाएंगे। थैंक यू भाई। तो पहले तो नहाने की सलाह थी, तो इतनी खुशी खुश भरी खबर है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि है ना एक पंजाबी मेरे पंजाब के तो एक भाई साहब मिले, वो आर्मी में है, तो इधर वो इंस्ट्रक्टर हैं, स्कूबा डाइविंग सिखाते हैं, तो उनसे हेलो हाय हुई, तो उनकी भी इधर अपनी कैंपिंग साइट है खुद की, तो उन्होंने बोला कि आप उधर जाके कैंप लगा लो, डाउकी रिवर के ऊपर ही है बिल्कुल, उधर लगाएंगे कैंप और उधर ही खाना खाएंगे, आज खाना पकाएंगे या खाना खाएंगे ये तो बाद में पता लगेगा। तो शायद उनके साथ ही, शायद पक्का नहीं पता, हम निकल जाएं रिवर घूमने के लिए। तो भगवान बहुत अच्छा करता है यार, पेशेंस रखनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है। देख लो यार, सोचा नहीं था, हम सोच रहे थे कि चलो 2 पार्टनर ढूंढ लेंगे, 800 रुपया देंगे और घूम लेंगे, बट भगवान ने हमारे लिए कर ही दिया कोई ना कोई इंतजाम। तो ठीक है अभी चलते हैं उनकी कैंपिंग साइट पे और उधर में लगाते हैं अपना टेंट, फिर मिलते हैं आपसे। जो है ये सामने देख रहे हो ना आप, ये डाउकी रिवर है, तो मैं आपको बता रहा था पहले कि डाउकी रिवर के ऊपर ही लगाएंगे हम अपना कैंपिंग टेंट। ये सारे भाई मेरे पंजाब से हैं, तो हेलो भाई। हेलो भाई। तो जब अपना कोई पंजाब का बंदा मिलता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, इतने दिनों के बाद अपना कोई पंजाबी भाई मिला है, तो आज रात बैठेंगे, बातें करेंगे, इनके साथ मज़े करेंगे। और ये डाउकी रिवर खूबसूरत सी रिवर, जो एशिया अपने इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है, उसका आनंद मानेंगे, इधर ही कैंपिंग लगा लेंगे अपनी। तो देखो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। सो फाइनली अपना लग चुका है टेंट, इधर मैंने आपको सुबह बोला था ना कि मैं डाउकी रिवर के आसपास ही टेंटिंग कैंपिंग करेंगे, तो सच में लग ही गया यार, जो दिल में मनोकामना होती है ना वो पूरी हो ही जाती है। और वो जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हो ना, उधर है डाउकी विलेज बोलते हैं, उधर डाउकी विलेज उधर है, जब रात होगी उधर लाइटें दिखेंगी तो मैं ट्राई करूँगा दिखाने की आपको, तो आप देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और सामने वो जो बंदे आपको दिखाई रहा था वह, तो वो बांग्लादेश है, तो इधर से ये रास्ता जाता है, ये जो ब्रिज देख रहे हो ना ऊपर, ये ब्रिज है, ये सीधा रास्ता जाता है ऊपर, उधर इंडिया की लास्ट मार्केट है, तो वो भी देखने जाएंगे, शायद आज जाएं या सुबह जाएं, क्योंकि 2 रातें इधर रुकेंगे। और सामने वो बांग्लादेश आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है अभी पहनते हैं कपड़े यार, ठंड रात को ज़्यादा हो जाती है, और शुक्र है भगवान का कि हम क्या कहते हैं मतलब बारिश वाले सीज़न में नहीं आए। तो भाई हमें बता रहे थे कि जब बारिश होती है ना, तो ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना, इधर इधर तक पानी आ जाता है, इतना पानी, तो सोच सकते हो आप कितना पानी होगा बारिश के मौसम में। शुक्र है हम नहीं आए तो ठीक है अभी थोड़ा सा करते हैं रिलैक्स, अपना चाय पानी पी लिया है ऑलरेडी, तो घूमने जाएंगे, शायद देखेंगे मार्केट घूमने चले जाएंगे, और ट्राई करेंगे भाई लोगों के साथ सुबह स्काई डाइविंग स्कूबा डाइविंग करने की। तो ये ड्रेस है आपको पता ही है, जैसे अगर आपको पता होगा तो ये मेरी बकेट लिस्ट में है ऑलरेडी, मैंने ये बाद में करनी थी, बट अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे स्कूबा डाइविंग, और बहुत एक्सपेंसिव
इक्विपमेंट्स हैं ये यार, आप देख सकते हो सारे स्कूबा डाइविंग के हैं। तो उधर में ये गैस रखे हुए हैं, गैस कैंस रखे हुए हैं ना पूरा, तो देखेंगे सुबह ट्राई करके। तो ये पैर में पहनने वाले हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं ट्राई ज़रूर करके देखूँगा। मेरी ये लिस्ट में था कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं एक दिन ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि यार इसका कोर्स होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक ये करना है, एक स्काई डाइविंग वाला करना है। तो दो तीन चीज़ें हो रहे हैं, वो जब करेंगे तब बताते जाएंगे जब पैसे आ जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जो ये कोर्स का भी मैंने पता किया था, ये कोर्स भी ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपया लग जाता है अगर आप ये कोर्स करते हो स्कूबा डाइविंग का प्रॉपर तरीके से, छोटे से लेकर ऊपर लेवल तक अगर आप बड़ा कोर्स करते हो तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर आपको घुमाते हैं। और निमास का इंस्टीट्यूट है, तो ये सारे एडवांस लेवल के इधर कोर्स होते हैं, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, है ना भाजी? गूगल पे मिल जूगा। ओके सो ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करते हैं फिर घुमाते हैं आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये जीरो पॉइंट है सारा, उधर से पानी आ रहा है ना, इसको जीरो पॉइंट बोलते हैं। अगर आप दौकी रिवर पे आओगे तो ये जीरो पॉइंट दिखेगा आपको, इधर लेकर आएगा बोट वाला। तो ये हमको तो भाई लोग मिल गए, हम तो उनके साथ आ रहे हैं। तो देखो ये सारा इंडिया वाला सीन अपना, अब भाजी ने इन्हें नाल ही आया मैं, देखो तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश आ गया, मैं आपको दिखा रहा था, बड़ी ज्यादा पब्लिक आ रही है ना इधर, अभी भी देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा पब्लिक है इधर भी। तो सामने बांग्लादेश और हमारी बोट है इंडिया के अंदर। तो मैं आपको सुबह दिखा रहा था ना, पहुंच गए, फाइनली पहुंच गए बांग्लादेश के अंदर यार। ओह माय गॉड, ये है सामने बांग्लादेश। ओहो, तो इधर ये देखो पीछे सारा ही बांग्लादेश है यार। वाह वाह, वेलकम टू बांग्लादेश गाइस, पहुंच गए यार। वाओ, इतना पास हो गए भी है ना बांग्लादेश। ये देखो, ये एक पैर रख ही लेते हैं। ओहो, ये देखो बांग्लादेश के अंदर लिखा हुआ है सारा कुछ यार, ये आपको दिख रहा है, बांग्लादेश आ गए हम। वापस इंडिया चलते हैं यार, इंडिया ही अपना सही है। तो ये लास्ट इधर बाउंड्री लगी हुई है इंडिया, पोल लगाया हुआ है ना, जो भी समझ सकते हो आप पोल है। तो ये सीधा उधर जाती है ऊपर, ओ ऊपर तक पोस्ट है सीधा इंडिया का मतलब। तो इंडिया बांग्लादेश, हेलो भाई कहाँ से हो आप? बांग्लादेश से। सच में? अरे कैसे हो भाई? व्हाट्स योर नेम? सुमन। सुमन, ओके। प्रकाश। प्रकाश, माय नेम मनी, मनी बैकपैकर। या माय नेम मनी। आप इंडिया से कहाँ से हो? पटियाला। पटियाला से? हाँ। इतना दूर से? इतना दूर से। हम बांग्लादेश सितंग वाले। सितंग वाले आएंगे यार, एक दिन जरूर आएंगे बांग्लादेश। हेलो ब्रदर, मेरा नाम मनी है, मनी मनी। हाँ हाँ हाँ, हेलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे अपने बांग्लादेश के दोस्त लोग हैं यार। हेलो, ये ब्रदर सही है यार, बड़ा अच्छा लगता है। देखो ऐसे कोई भाई लोग मिलते हैं ना दूसरे देश से, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन जरूर बांग्लादेश में जाकर व्लॉग जरूर बनाएंगे। अरे जरूर आइए भैया, आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम। हाँ, के साथ में जो करती।